तीन दफा पढ़ रहा हूँ। मरियम ने भी एक मार्च की थी जो मेरे ख्याल में मुजर खान में कहीं रह गई थी, पहुंची नहीं इस्लामाबाद। तो हमने तो कभी किसी को नहीं रोका। तब तो इनको नहीं ख्याल आया कि कोरोना के भी अजाब से गुजर रहे हैं, हम एक बैंकक्रप्ट मुल्क छोड़ के गए, वो भी उससे हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। तब तो हमें किसी ने भी परवाह की कि पाकिस्तान कितने बड़े मुश्किलात में है। तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि मैंने ये पहले कर दे रही थी। हमने मार्च जब इन्होंने हमें हमने पूरा मन एहतजाज किया 25 मई को, जो उन्होंने तशद्दुद किया हमारे ऊपर, उसके बाद उसके अगले दिन मैं अगर वो ना उस वक्त उसको कॉल ऑफ करता तो अगले दिन बाकी इस मुल्क के अंदर इंतजार होना था, मुल्क में खून होना था अगले दिन। मैंने इसलिए वो कॉल ऑफ किया कि मुझे पता था कि जिस तरह का इन्होंने हमारे ऊपर तशद्दुद किया वो 25 की रात को, अगले दिन वो जाना था खून की तरफ। तो अपने मुल्क को निकालने के लिए कि इंतजार ना हो और मुश्किल ना, मैंने उसको कॉल ऑफ किया। जब पहले एक बैरूनी साजिश के तहत ही हमारे ऊपर इन चोरों को मुसल्लत करते हैं, 25 करोड़ रुपया दे के ये लोगों को जमीन खरीद के हमारी गवर्नमेंट गिराते हैं, सिंध हाउस के अंदर नीलाम घर बना होता है, इलेक्शन नहीं ऑप्शन होती है वहां इंसानों की, हमारी गवर्नमेंट गिराते हैं। उसके बाद अब पुरमन मुजाहरा करते हैं तो ये हमें वो जुल्म करते हैं, घरों में जाके लोगों के ऊपर जेलों में डालते हैं, जुल्म करते हैं। उसके बाद जब हम इलेक्शन जीतते हैं, बाय इलेक्शन जीतते हैं जुलाई का, उसके बाद केसेस की बारिश हो जाती है। मेरे ऊपर कुछ 24 FIRs कट चुकी है, दहशतगर्दी की FIR कट चुकी है, दो दफा मुझे जेल में डालने के लिए पकड़ने के लिए पुलिस आ गई, हमारे सारी टॉप लीडरशिप के ऊपर FIR कट जाती है। मीडिया के ऊपर ये जिस तरह की पाबंदियां लगाते हैं और जो जुल्म करते हैं, पाकिस्तान की किसी डेमोक्रेसी के अंदर इसकी मिसाल नहीं है। जिस तरह इन्होंने सहाफियों से किया, जिस तरह इन्होंने इमरान रियाज को पकड़ के बंद किया दरबे में, उसके ऊपर तशद्दुद किया, जिस तरह इन्होंने एयाज मीर को ह्यूमिलिएट किया, जिस तरह इन्होंने समी इब्राहिम उसको जलील करने की कोशिश की, साबिर शाकिर मुझसे बाहर पा गया, और जो सबसे तकलीफ दे है मैं समझता हूं कि सहाफी बरादरी के लिए, कि इससे तकलीफ दे चीज जो इन्होंने अशद शरीफ से की है, मैंने पाकिस्तान में ऐसी मिसाल नहीं देखी। मैं मानूं कि अगर कोई मुल्क दुश्मन हो, मैं मानूं कि एक आता अच्छा जी वो कोई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा हो, चले वो कोई मुल्क का गद्दार हो, अच्छा जी अगर हम ये भी मान लें कि कोई बहुत बड़ा कोई डाकू हो, कोई क्रिमिनल हो, एक अरशद शरीफ जो सारी सहाफी बरादरी चाहे वो उसको पसंद करती थी या नहीं, एक चीज जानती है कि कभी वो अपने जमीन का सौदा नहीं करता था। सब जानते हैं कि वो मोहे का वतन पाकिस्तानी था, सब जानते हैं कि उसके घर में 2 शहादतें थी, वो हमेशा अपने मुल्क के लिए खड़ा होता था। उसको धमकियां मिली, उसके ऊपर सरा उसको डराया धमकाया गया कि अपने जो मौके से हट जाए राय हक से, तो जो उससे किया है उन्होंने पहले मुल्क से बाहर वो, और मैंने उसको एडवाइस किया 2 दफा, मैंने उसको कहा, दूसरी दफा गया वहां पर मुझ छोड़ के कि उसकी जान खतरे में, तो जो उससे हुआ है कि ये वो पहले चोरों को मुसल्लत कर दो, और चोर जिस तरह मुसल्लत हुए चोरी का पैसा खर्च करके ऊपर आ जाए बैरूनी साजिश के तहत, उसके ऊपर अगर आप अपनी आवाज बुलंद करो तो 25 मई पर जुल्म करो लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर हमें जो इन्होंने किया, और उसके बाद सहाफियों पर मुंह बंद कर दे, टीवी चैनल्स के अंदर जो टीवी चैनल दिखाती थी उसके पीछे पड़ जाए, ARY को बंद कर दिया, वो बोल की चैनल है उनके ऊपर सख्तियां शुरू कर दी जो हमें दिखाता था, और उसके बाद सारे जो मुल्क के नामवर डाकू वो अपने केसेस माफ करवाने शुरू हो गए, एक एक केस इनका निकल रहा है। कभी भी ऐसे नहीं हुआ, कभी ऐसे नहीं हुआ कि असेंबली के अंदर बैठ के इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स वो की
जिसमें एक एक अमेंडमेंट में एक एक इनका बड़ा डाकू बचता है, किसी में जरदारी बच रहा है, किसी में मरियम बरी हो रही है, किसी में वो इनका वो जो दूसरा सादर भी वो बच रहा है। पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स करवाई अपनी करप्शन बचाने के लिए और साथ मैशत को तबाह करके रख दिया। सबके सामने पेशेंट कोई करो, किसी पुलिस से कुछ नहीं करना, पुलिस तब कुछ करती है जब 1.5-2 हजार लोगों को देखे, जब लाखों लोग आ रहे होंगे कौन सी पुलिस कुछ करेगी? आखिर ये बता दिया आप अपना लॉन्ग मार्च के लिए से कहते कि करना है, लेकिन अब आप अपना जो लॉन्ग मार्च है वो नवंबर की महीने की करीब करीब ले आए हैं। इस महीने में तैनाती भी हो रही है, कुछ लोग ये तासुर दे रहे हैं कि आप अपना जो लॉन्ग मार्च है वो इलेक्शन नहीं बल्कि तैनाती के लिए भी कर रहे हैं, ये भी क्लियर कर दें। और दूसरा ये भी सर बता दें कि तशद्दुद किया जाएगा, आपके लॉन्ग मार्च में फैमिलीज आएंगी, बच्चे आएंगे, उनमें तशद्दुद होगा, तो आपकी भी तैयारी क्या है? तैयारी क्या? पहले मैं फिर से वाजे कर दूं, ये आज मैं ऐलान कर रहा हूं जुमे को शुरू हो रही है हमारी मार्च, तो फिर से कि ये नहीं मैं जुमे को अनाउंस नहीं कर रहा, आज शुरू हो रही है। आपने जो बात की ना अभी, देखिए हमेशा हम पुरमन एहतजाज करते हैं, हमारे जलसे पाकिस्तान की तारीख में, मैं चैलेंज करता हूं आज कोई बताए कि जलसों के अंदर फैमिलीज आ रही है, ख्वातीन आ रही है, किस जलसे के अंदर आप देखते हैं? हम एक पाकिस्तान की पार्टी है, वाहिद पार्टी है जो पाकिस्तान के सारे शहरों के अंदर जाके जलसे करते हैं और आवाम चल के आती है। हम एक फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, बाकी रह गई छोटी छोटी सुकड़ी फैमिली पार्टीज, वो रह गई एक। अब मैं चैलेंज करता हूं नूर के, मुझे कहीं पंजाब में मुकाबला करे, मेरे से जीत कर दिखा दे। और मैं आज आसिफ जरदारी को चैलेंज कर रहा हूं कि इंशाल्लाह मैं इसके बाद मेरा अगली जो टूर है वो है सिंध का, और मैं चैलेंज करता हूं मेरे से सिंध में इलेक्शन जीत कर दिखा दे, क्योंकि लोग इनसे तंग आ चुके हैं, ये लोगों के अंदर मकबूल नहीं है। अब ये बस इसी तरह कर सकते हैं, कोई अमेरिका में जाए उनके घुटने घोटे पकड़ के कह के जनाब हमें किसी तरह ले आओ, या वाउंड के अंदर तो निकल ही नहीं सकते उनके साथ, कि ये चोरों को बैठा रहे हैं ऊपर, जो जो अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, बड़े बड़े महलों में बाहर रह रहे हैं, वो लोग जो मुल्क एक नेशनल फेडरल पार्टी है जो करप्शन के अगेंस्ट लड़ रही है उसको दीवार से लगा रहे हैं, अशरफ शरीफ जैसे सहाफियों से ये कर रहे हैं, और हम कौम भेड़ बकरियों की तरह बैठी रहे। मैं तो इसको जहाद कहता हूं, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं तो ये जब तक मैं जिंदा हूं मैंने तो इनका इन सारे चोरों का मुकाबला करना, इस निजाम का मुकाबला करना।